सब्सक्राइब करें रियलिटी पब्लिक टीवी चैनल को और दबाएं बेल आइकन ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। हर इंसान की यही कोशिश होती है कि इसका घर सबसे ज्यादा खूबसूरत और जबरदस्त हो। इसके साथ साथ इसकी ये कोशिश भी होती है कि इसका घर सबसे अलग नजर आए। खूबसूरत घर का मतलब ये होता है कि जितना बाहर से खूबसूरत है, अंदर से भी इतना खूबसूरत होना चाहिए। किसी भी अच्छे या खूबसूरत घर में लग्जरी फर्नीचर और लग्जरी गाड़ियाँ मौजूद होती हैं। ऐसी तमाम सहूलियत किसी बड़े शहर या किसी अच्छी सोसाइटी में मौजूद होती हैं, लेकिन दुनिया में एक ऐसा इलाका भी पाया जाता है जहां पर महंगी गाड़ियां होने के साथ साथ महंगे घर भी मौजूद हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इस इलाके में जितने भी लोग रहते हैं हर किसी के पास अपना प्राइवेट जेट मौजूद है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ऐसा इलाका भी मौजूद है जहाँ पर हर शख्स के पास अपना जहाज मौजूद है। इन लोगों के पास इतने महंगे महंगे घर, गाड़ियाँ और जहाज मौजूद है जिसके बारे में आप तस्वीर भी नहीं कर सकते। ये इलाका अमेरिका के मौजूदा शहर कैलिफोर्निया में वाकया है। इस इलाके को कैमरून पार्क सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस इलाके का एक और नाम भी है जिसे कैमरून पार्क एयरपोर्ट भी कहा जाता है। हैरानगी की बात यह है कि इस इलाके के पास अपना प्राइवेट एयरपोर्ट भी मौजूद है। जब इन लोगों ने कहीं भी प्रवास करनी होती है तो ये अपने प्राइवेट एयरपोर्ट के साथ रबते में हो जाते हैं, यानी इनको उड़ान भरने के लिए किसी किस्म की भी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ता। इस इलाके की तरफ एक बात और मनसूब की जाती है कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा मौजूद है जिसकी वजह से आमदोरफ्त का सिलसिला रुक जाता है। यानी इस इलाके में पानी ज्यादा होने की वजह से गाड़ियां एक जगह से दूसरी जगह नकलो हमल नहीं कर सकती। लेकिन बहरहाल इस इलाके को दुनिया का सबसे दिलचस्प और हैरान कर इलाका भी माना जाता है। कहा जाता है कि इस इलाके में जितने घर भी मौजूद है, सबसे छोटे घर की कीमत 50 लाख डॉलर से शुरू होती है। यानी ये घर इतने कीमती है कि जिसको आम आदमी सोचने के बारे में ख्याल भी नहीं कर सकता। इस इलाके के तमाम घर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन इन तमाम घरों के सामने खड़े जहाज इनकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। जब आप इन इलाकों में जाएंगे तो यहाँ पर आपको जगह जगह पर प्राइवेट जहाज उड़ते हुए दिखाई देंगे। ये जगह बहुत खूबसूरत है और अमरीकी हुकूमत की तरफ से इस इलाके को हर किस्म की सहूलियात दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि ये घर इतने ज्यादा महंगे क्यों हैं और इस इलाके में मौजूद तमाम घरों की कीमत इतनी ज्यादा क्यों है। हर शख्स के पास अपना प्राइवेट जेट मौजूद होने के साथ साथ इनका अपना एयरपोर्ट भी मौजूद है, लेकिन ऐसी क्या वजह है कि हुकूमत की तरफ से तमाम सहूलियात इन लोगों को अब तक दी जा रही हैं। असल में ये घर उन तमाम लोगों के हैं जिन्होंने वर्ल्ड वार टू में हिस्सा लिया था। यानी तमाम मौजूदा घर उन लोगों के हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में हिस्सा लिया था। इन तमाम घरों के बारे में ये बात मशहूर है कि ये लोग अमेरिकी एयरफोर्स और आर्मी का हिस्सा थे। यानी इन तमाम घरानों का ताल्लुक अमेरिकी आर्मी और एयरफोर्स से था। चले अब हम इस हकीकत से पर्दा उठाते हैं। असल में जब दूसरी जंग अजीम जारी थी तो इन लोगों के पास बहुत पैसा मौजूद था। जिन घरानों का ताल्लुक एयरफोर्स से था, इन्होंने अपनी जेब से पैसा लगाकर प्राइवेट जेट खरीदे थे। न सिर्फ इन लोगों ने पैसों के जरिए इन जहाजों को खरीदा, बल्कि इनको खरीदने के बाद दूसरी जंग अजीम में इस्तेमाल भी किया। इन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद था कि मुल्क पर मंडलाते हुए खतरों के बादलों का मुकाबला किया जाए। जब दूसरी जंग अजीम खत्म हुई तो अमरीकी हुकूमत ने इनकी सलाहियतों का इतराफ करते हुए ये इलाका इनके नाम कर दिया। न सिर्फ ये इलाका इनके नाम किया, बल्कि इनके जहाजों को भी इनकी मिल्कियत ही रहने दिया। तब से लेकर आज तक ये सिलसिला यूं ही जारी है और ये तमाम जहाज इन लोगों के पास आज भी मौजूद है। आज भी अमरीकी हुकूमत का यही कहना है कि तमाम के तमाम वो लोग हैं जिन्होंने दूसरी जंग अजीम में अपने मुल्क के लिए लड़ाई की थी, जिनके एहतराम में अमरीकी हुकूमत ने तमाम की तमाम चीजें इन्हीं की मिल्कियत रहने दी और तब से लेकर आज तक इस इलाके की तमाम सहूलियत यही जारी हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के बारे में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।